हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज है संडे और देखिए आज मैं कुछ न्यू रेसिपी बना रही हूँ। तो आप गैस कीजिए, मतलब सोचिए सोचिए कि आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो गाइस, आप सोचते रहिए। और देखिए, मैंने यहाँ पे आलू कट करना शुरू कर दिया है। तो गाइस, मैं शाम का डिनर बना रही हूँ। तो गाइस, पापा बोले थे पहले ये रेसिपी बनाओ, उसके बाद फिर खाना बनाना। तो देखिए गाइस, मैं यहाँ पे ये आलू कट कर रही हूँ। तो गाइस, ये मेरे पतले पतले भुजा टाइप में मैंने इसको कट करना शुरू कर दिया है। तो गाइस, आप सोचिए कि मैं क्या बना रही हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं क्या बोलूँ, कौन सी रेसिपी बना रही हूँ। चलिए गाइस, आप सोचते रहिए, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी रेसिपी कौन सी है। तो देखिए गाइस, मैंने फटाफट से चटनी लिया है और फटाफट से देखिए आप मैंने आलू कट कर दिया है। तो अब देखिए, अब ये प्याज की बारी है और मैंने यहाँ पे प्याज कट करना शुरू कर दिया है। तो गाइस, इसी तरीके से आप भी अगर आपको कुछ रेसिपी समझना है तो आप यही रेसिपी बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो गाइस देखिए, मैंने यहाँ पे प्याज को छील छील कर और उसे एक कटोरे में डाल दिया है। और इसी तरीके से आपको भी करते रहना है। तो गाइस, आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो गाइस, वीडियो लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन आप वीडियो को देखना मत भूलिएगा, लास्ट तक ब्लॉग जरूर देखिएगा कि मैं कौन सी रेसिपी बनाती हूँ और उसके बाद मैं डिनर में मैंने क्या बनाया और सब कैसे सबको लगा, कैसे सबने इंजॉय किया इस रेसिपी को। तो गाइस, आप हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिए, इंजॉय करते रहिए और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। तो देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने प्याज सारे छील लिए हैं और यहाँ पे मैं पानी डाल दी हूँ ताकि मैं अच्छे से प्याज को वॉश कर लूँ। उसके बाद देखिए गाइस, मैं फटाफट से यहाँ पे इसको भी काटना शुरू कर दूँगी। तो गाइस, आप नॉर्मली आपको प्याज कट करना है जिस तरीके से आप काटते हैं। तो गाइस, ये रेसिपी घर में सबको बहुत अच्छी लगता है। तो गाइस, स्पेशली पापा ने कहा कि ये रेसिपी बनाऊँ, मुझे बहुत मन कर रहा है खाने को। तो गाइस, मैं उसी की यहाँ पे तैयारी में लग चुकी हूँ और अभी टाइम हो रहा है, 6 बज गया। तो गाइस, ये सबसे पहले हम ये नाश्ते में करेंगे और उसके बाद मैं डिनर की तैयारी करूँगी। तो गाइस, आप बने रहिए और देखते रहिए किस तरीके से क्या और कौन सी रेसिपी बन रही है। तो गाइस, आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि आज मैं कौन सी रेसिपी बना रही हूँ। तो गाइस सोचिए, मैं तो बना रही हूँ और बहुत ही मज़े से और अच्छे से बना रही हूँ, बहुत ही मज़ा आएगा। तो आप हमारे साथ बन रही है, तो आप देखते रहिए कि कौन सी रेसिपी है ये। तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे प्याज कट कर लिया है और देखिए, मैंने आप देख सकते हैं कि मैंने आलू कितना लिया था और प्याज कितना लिया। तो गाइस, आपको पता है कि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और जॉइंट फैमिली में हर चीज़ हमें हिसाब से मतलब ज़्यादा बनाना पड़ता है कि सब खा ले और सब इंजॉय करें, सब मस्त रहे, सब खुश रहे, सबको अच्छा लगे। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ प्याज कट किया है ताकि हम सब मिलजुल कर अच्छे से खाएँ और सबको अच्छा लगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर प्याज और आलू कितना कितना कट कर लिया है। तो गाइस, आपको ऐसे अंदाज़ा तो नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैंने ये बड़े वाले कटोरे में कट किया था। और यहाँ पे देखिए, हरी मिर्च, हरी हरी मिर्च बहुत ही स्वादिष्ट लगती है ना लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे कट करना शुरू कर दिया। देखिए, यहाँ पे हरी मिर्च फटाफट से मैंने काट के डाल रही हूँ मैं। तो गाइस, डर तो लग रहा था, काट रही थी ताकि मेरा हाथ कहीं तीखा ना हो जाए, क्योंकि मुझे बेबी को फिर फीडिंग करवाना होता है, तो इसीलिए। लेकिन अब काटना तो था ही, तो मैंने कैसे कैसे जल्दी फटाफट से कट किया और उसके बाद फटाफट से देखिए। तो गाइस, मैं अच्छे से वॉश कर करके काट रही हूँ और इसी तरीके से आप कर सकते हैं, बना सकते हैं किस तरीके से फटाफट से कट कर रही हूँ। तो गाइस, आप बोर में तो ये आप देखते रहिए कि मैं क्या बना रही हूँ। तो देखिए गाइस, इसी तरीके से आप मिर्ची कट कर सकते हैं और अच्छे से फटाफट से इसी तरीके से आप रेसिपी बनाइए, बहुत ही अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे देखिए गाइस, मेरी फटाफट से मैंने मिर्ची कट कर लिया है सारा। और यहाँ पे देखिए, अब मैं क्या बनाती हूँ, सोचिए जरूर। और देखिए, ये फटाफट से इस पूरे को मैं हटा लेती हूँ, सफाई कर लेती हूँ ताकि हमारा किचन साफ़ सुथरा रहे और अच्छा रहे, गंदा की ना मचे। तो गाइस, मुझे अच्छा लगता है कि मैं साथ साथ सफाई भी करती रहती हूँ, खाना भी बनाती रहती हूँ ताकि मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पर देखिए, मैंने सारे मसाले डाल लिए और यहाँ पर मैंने क्या कर डाला है, बेसन, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाला है। तो गाइस, अब आपको पता चल ही गया होगा कि मैंने यहाँ पे क्या डाला था। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जीरा पाउडर डाला है। आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ। तो गाइस,
जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मैं बनाने जा रही हूँ आलू प्याज की पकौड़ी। तो गाइस सबको मन कर रहा था कि क्यों ना आज संडे है तो कुछ गर्मा गर्म खाया जाए, आज ठंडा मौसम भी था सबको बहुत ही। यहाँ पर देखिए इस रोली में मैंने रिफाइंड रखा हुआ है खोल के, उसको मैंने यहाँ पे हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है और इसको मैं रखती हूँ गर्म होने के, जब तक हमारा गर्म हो रहा है। तो गाइस हम इसे चम्मच वगैरह से भी मिला सकते थे, लेकिन जो हाथ में मज़ा है वो चम्मच और चिमटे में कहाँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हाथ का यूज़ करते हुए अपने प्यारे प्यारे कोमल हाथों से इसको मैंने मिलाना शुरू कर दिया है फटाफट से। और देखिए बिना हाथ में के वो स्वाद नहीं आता है जो चम्मच से मिलाने में आता है, तो गाइस इसमें हाथ का यूज़ करना ही पड़ता है तभी वो अच्छा स्वाद आता है। देखिए हमारा रिफाइंड कितना अच्छे से तेल गर्म हो चुका है और कम आँच कर दिया है मैंने। अब जब हमारा तेल गर्म हो गया है और इसको एक एक करके आप छोटे छोटे बाइट करके आप डाल सकते हैं। तो गाइस ये था हमारा प्याज और आलू के पकौड़े। तो गाइस इस तरीके से बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत मज़े से सब खाएंगे और सबको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो गाइस इस तरीके से बनाने में भी बहुत अच्छा है और इजी भी है, ज़्यादा आपको परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। तो गाइस जब भी आपको मन करे, ठंडा मौसम हो, संडे का दिन हो, कुछ खाने का मन करे कुछ चटपटे से, तो आप अपने स्वाद अनुसार से मिर्च डालकर और अपने हिसाब से जो आपको मसाले अच्छे लगते हैं वो डालकर आप बना सकते हैं। तो गाइस मुझे तो बहुत अच्छा लगता है पकौड़े वगैरह बनाना और साथ में थोड़ा सा खाना भी, ज़्यादा खाते नहीं हूँ लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है और सबके साथ बैठ कर खाना है तो और भी मज़ा आता है मिलजुल कर खाने में। तो गाइस इसी तरीके से देखिए बनाइए और इन्जॉय कीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है। तो गाइस आप सोच रहे होंगे कि अब मैं क्या कर रही हूँ, देखिए इसी तरीके से मैं यहाँ पे करना शुरू कर दी हूँ और ऐसे ही बनाइए तो बहुत ही अच्छा बनता है। और यहाँ पे देखिए हमारा गर्म हो रहा है, यहाँ पे मेरे बेबी के लिए थोड़ा सा मैंने पानी गर्म किया है क्योंकि बेबी को भूख लग गई थी इसीलिए, तो यहाँ पे गई हूँ और मैंने मम्मी को दे दिया है, मम्मी पिला देंगे बेबी को जब तक, क्योंकि फिर मैं यहाँ पे खाना बना रही थी तो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर मम्मी को दे दिया गर्म पानी। मम्मी उसको दूध पिला देंगी ऊपर वाला, मतलब बेबी का पाउडर जो है वो दूध पिला देंगे। और जब तक मैं यहाँ पे मेरे किचन में फटाफट से यहाँ पे पकौड़े छानना स्टार्ट कर दी हूँ। तो भाई जब तक ये मैं पकौड़े छान रहा है तो क्यों ना एक तरफ मैंने दाल रख दिया है बनने के लिए ताकि हमारा डिनर भी बनते रहे, नहीं तो बहुत टाइम हो जाती है बनते बनते। यहाँ पे मैंने देखी तोरी, यहाँ पे तोरी को मैंने छीनना स्टार्ट कर दिया। तो देखिए ऐसे इस तरीके से फटाफट से छिल छिल कर जल्दी स्पीड में हाथ चला चला कर मैं जल्दी बनाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि हमारा टाइम भी बचे। तो गाइस अकेले अकेले करते करते बहुत टाइम हो जाता है, तो गाइस आपको पता ही है फैमिली में बड़ी है तो खाना भी हर चीज़ ज़्यादा बनाना पड़ता है तो टाइम तो लगता ही है गाइस, तो इसलिए फटाफट से मैं अपने टाइम को देखते हुए यहाँ पर मैंने तोरी छिल छिल कर फटाफट से रखने लगी हूँ। तो देखिए किस तरीके से मैं फटाफट से तोरी छिल रही हूँ, तो मैं यहाँ पे बनाऊँगी दाल चावल और सब्जी और हमारा पकौड़ी। तो गाइस पकौड़े तो छिल ही रहा है जब तक मैं फटाफट से पूरी वाला कर रही हूँ, तो इसी कढ़ाई में मैं तोरी को छौंक लगा के मिर्च और सब्जी तैयार हो जाएगा हमारा। तो गाइस देखिए एक पकौड़े निकाल दिया मैंने और फिर से मैंने पकौड़े रख दी हूँ बनने के लिए। तो गाइस देखिए इसी तरीके से मैं बना रही हूँ। तो गाइस संडे वाले दिन ऐसे ही हमारा काम रहता है, किसी दिन टाइम फुर्सत मिलता नहीं है, हर दिन कुछ ना कुछ रेसिपी बनाते ही रहते हैं, हमारा टाइम पास हो जाता है अच्छे से, बहुत मज़ा आता है। तो गाइस सुबह कुछ और, शाम को कुछ और, दोपहर में कुछ और, इसी तरीके से हमारे यहाँ कुछ ना कुछ रेसिपी बनते रहता है, सब इंजॉय करके सब मस्त होकर खाना खाते हैं, सबको बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए गाइस यहाँ पे मैंने फ्रंट से थोड़ी छिलना शुरू कर दिया है। तो गाइस फैमिली जॉइंट फैमिली में फ़ायदा ये है कि जब तो मैं किचन में हूँ तो मम्मी बेबी को संभाल रही हैं तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे चिंता नहीं ज़्यादा कि बेबी रो रहा होगा क्योंकि मम्मी है पास में तो मम्मी बेबी को हैंडल कर रही हैं, पापा है, हस्बैंड जी हैं, सब हैं तो उतनी। और यहाँ पे देखिए मेरी दाल रेडी हो चुकी है, तो बस इसी तरीके से मैं फटाफट से
जितना भी तोरी है सबको छील लेती हूँ और सबको कट करूँगी। तो गाइस अभी छील ही रही हूँ और तब से पकौड़े भी तैयार हो रहा है। तो गाइस इसी तरीके से देखिए फटाफट से मैंने यहाँ पे छीलना शुरू कर दिया है। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से छील रही हूँ। तो गाइस जब तक छील के ना बोल रहा हूँ जब तक सब्जी अच्छी लगती नहीं, अजीब सा लगता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा ऊपर ऊपर का छिलका हटा लेती हूँ। इससे क्या होता है कि जल्दी से तोरी गल जाती है और अच्छा मजा आता है। देखिए यहाँ पे मैंने वॉश करके ले आई हूँ तोरी को और यहाँ पे फटाफट से मैंने चाकू से काटना शुरू कर दिया है। वैसे तो मैं फटाफट से करना अच्छा लगता है काम, लेकिन चाकू से आज मैं काटने पड़ा हूँ। और हमारे यहाँ देखिए हमारा पकौड़े छन चुका। तो गाइस जिस जैसे पकौड़े छन रहा था तो वैसे ऐसे में गर्म गर्म सबको देती गई। तो सब गाइस सब खा लिए हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारी बारी आती है तोरी को छोंकने की। तो उसके लिए मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए फटाफट से पहले मैं लौकी तोरी को कट करूँगी। तो देखिए यहाँ पे तोरी कट कर रही है और यहाँ पे बिल्कुल ताज़ा ताज़ा छोटी छोटी तोरी है, बहुत ही अच्छा था, फटाफट से कट जा रहा था, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा था। तो गाइस देखिए इस तरीके से यहाँ पे मैं कर रही हूँ। तो देखिए मैं किस तरीके से कट कर रही हूँ। तो गाइस संडे के दिन ऐसे ही हमारे यहाँ कुछ ना कुछ बनता रहता है और इसी तरीके से काम होता है और इसी तरीके से हम इंजॉय करते हैं। तो गाइस ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन आप हमारे वीडियो में बने रहिए, हमारे ब्लॉग में बने रहिए और देख लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। तो गाइस अगर हमारे आपने ब्लॉग को लाइक या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए नए नए वीडियो और ब्लॉग हम बना के लाते रहेंगे और आपको कुछ ना कुछ दिखाते रहेंगे अपने ब्लॉग में, कुछ नई नई रेसिपी, कुछ नई नई जगह की घूमने की, कि हमारे डेली ब्लॉग में क्या क्या कुछ क्या क्या होता रहता है आप सब सबको दिखाएंगे। तो आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए। तो गाइस देखिए यहाँ पे लहसुन और मिर्च को मैं फटाफट से छील रही हूँ और तड़का लगाने के लिए मतलब फ़ौरन यूज़ कर रही हूँ, ताकि मैं तोरी को कर सकूँ। और यहाँ पर देखिए हमारा तोरी कट कर रख लिया है मैंने। तो आप देख सकते हैं कितना मुझे टाइम मैनेजमेंट करके कर काम करना पड़ता है ताकि मैं टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि बेबी उसके बाद खाना वगैरह तो सबको खिलाना, उसके बाद फिर बर्तन धोना, सब कुछ बहुत काम हो जाता है। तो गाइस मम्मी भी है, मम्मी हेल्प करवा देती है साथ में, तो उतना भार लोड नहीं पड़ता है मेरे ऊपर, सब मिलजुल कर हो जाता है अच्छे से। तो इसी तरीके से हम काम करते हैं। और यहाँ पर देखिए रिफाइंड ज़्यादा हो गया था तो मैंने क्या किया है उसको निकाल लिया है और फिर मैं उसको सरसों के तेल में छोड़ कर लगाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए गाइस मैं रिफाइंड निकाल ली हूँ फटाफट से सारा, हमारी रिफाइंड ठंडी हो चुकी थी जब तक मैं तोरी वगैरह काट रही थी। तो देखिए इसी तरीके से आप करते रहिए। और यहाँ पे देखिए मैंने सरसों का तेल डाल दिया है और यहाँ पे मैंने गैस चालू कर दी हूँ और इसी तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे बनाना शुरू कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे तेल हमारा गर्म हो रहा है, जब तक मैं आप अपने जो लहसुन वगैरह है जो प्याज है फटाफट से कट कर लूँगी। तो गाइस इस तरीके से आप तोरी की सब्ज़ी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। ऐसे बनाइए लाजवाब, मज़ेदार और अच्छा बनता है, सबको अच्छा लगता है। तो गाइस जैसे मौसम आता है उसके अनुसार ही हमारे घर में सब्जियां फल आते हैं, हम उसी तरीके से हम बनाते हैं, खाना भी ना खाते हैं, मज़े करते हैं, इंजॉय करते हैं। तो गाइस आपको हमारा ब्लॉग कैसा लग रहा है? तब मैं कुछ ना कुछ नई रेसिपी वगैरह, कुछ ना कुछ ब्लॉग, डेली ब्लॉग, कुछ हमारे यहाँ त्यौहार फेस्टिवल सब चीज़ का आपको मैं ब्लॉग बना बना के दिखाती हूँ। तो गाइस देखिए फिर मुझे याद आया कि अरे पापा तो बोले थे मिर्च के पकौड़े निकालने के लिए और वो तो मैंने निकाला ही नहीं। तो मैंने क्या किया उसी दिन में फटाफट से थोड़ा बेसन घोला और मिर्च कट करके उसको मैंने फटाफट से उसके पकौड़े निकाल देती हूँ। मेरे पापा गुस्सा हो जाएंगे, पापा को खाने का मन था और मुझे याद नहीं आता, तो इसीलिए मैंने क्या किया यहाँ पे फटाफट से मैंने यहाँ पे बेसन घोला और उसको मैंने निकाल दूँ। तो गाइस देखिए किस तरीके से मैं यहाँ पे कट कर करके फटाफट से मिर्च के पकौड़े छान रहे हैं। तो गाइस मिर्च के पकौड़े भी ये बहुत अच्छे लगते हैं, आप जरूर खाएं दाल चावल के साथ और सब्ज़ी भी अगर कुछ ना हो तभी भी आप इस
उसके साथ खाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है, खासकर कि मेरे मायके में और ससुराल में मम्मी पापा सब मिल के बहुत खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है सबको मिर्च वाले, क्योंकि चटक थोड़ा अच्छा लगता है। तो गाइस देखिए मेरे मिर्च के पकौड़े आपको कैसे दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है ना होटल जैसा, जिस तरह होटल में मिलता है मिर्च के पकौड़े वैसे ही बिल्कुल। तो गाइस मेरा बन चुका है और अब मेरी बारी आती है यहाँ पे। तो गाइस देखिए फिर से मैंने यहाँ पे रिफाइंड निकाल लिया है और फिर से मेथी वगैरह का फूरन लगा के, फिर मेथी लहसुन वगैरह डाल के, प्याज हरी मिर्च डालकर फोरन को तड़का लगाऊंगी और उसके बाद फिर उसमें डाल देंगे तोरी। देखिए हमारे यहाँ पे गर्म हो रहा है, यहाँ पे गर्म हो चुका है, इसको मैं प्याज और हरी मिर्च भी फिर डाल दूँगी। तो गाइस मैं हरी मिर्च पहले नहीं डालती हूँ क्योंकि फिर सबको सरकने लग जाता है, सबको खांसी होने लग जाती है, तो यहाँ पे घर में दादी हैं बच्चे भी हैं इसलिए मैंने मिर्च को पहले नहीं डाला है, क्योंकि फिर सबको खांसी होगी तो अच्छा नहीं लगेगा, घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी खांसी होने लगेगी, इसलिए मैं मिर्च पीछे से डालती हूँ ताकि किसी को खांसी ना हो और तीखा भी हो जाए हमारा सब्ज़ी। तो गाइस इसी तरीके से मैं बनाती थी, तो पहले मैं बनाती थी तो सबको बहुत खांसी होता था, छोंक लग जाता था। तो गाइस इस तरीके से मैं बनाती हूँ और देखिए मैंने यहाँ पे रख दिया है और यहाँ पर हमारा दाल भी बन चुका है और यहाँ पे हाँ पकौड़े बन चुका है। तो गाइस देखिए फिर से मैंने सफाई करना स्टार्ट कर दिया है ताकि हमारा किचन ज़्यादा गंदा ना हो, साफ सुथरा रहे, साफ सुथरा अच्छा लगता है। तो गाइस तो कुछ ही देर में हमारा खाना बनने वाला है, देखिए यहाँ पर मैं दाल फोड़ रही हूँ क्योंकि हमारा दाल हो चुका है रेडी। देखिए यहाँ पर देखिए किस तरीके से मैं दाल में हमारा दाल बन चुका है, सबको बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस यहाँ पर मैंने जीरा का फोरन देखे वो दाल बनाई थी। तो गाइस मैंने क्या किया था कि पहले ही फोरन लगा के उसके बाद दाल डाल देती है, उसके बाद सीटी लगा देती, इससे क्या होता है कि एक ही साथ रेडी रहता है, आपको अलग से झोंका लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपको अलग से झोंका लगाना पसंद है तो आप वैसे भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा बनता है। तो घर में जैसे सबको अच्छा लगता है आप उसी तरीके से बनाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो गाइस देखिए इसको खाली करके मैंने यहाँ पे किया है कि अब चावल रख दूँगी, इसे मैंने यहाँ पर दाल हमारा हो चुका है रेडी और अब बारी है चावल रखने की। तो गाइस एक तरफ मैं यहाँ पर सब्जी भी देख रही हूँ ताकि फिर जल ना जाए। तो गाइस इसी तरीके से मेरा संडे के दिन बीत जाता है, अब शाम को ऐसे कुछ टाइम मिलता नहीं है तो हम खाना बनाने में हमारा टाइम निकल जाता है, लेकिन अच्छा लगता है खाना वगैरह बनाने में। तो यहाँ पर देखिए गाइस मैंने थोड़ी सी नमक डाली है और थोड़ा सा हल्दी डाला है। तो गाइस तोरी में आप थोड़ा सा ही नमक डालें क्योंकि तोरी गल जाती है तो वो थोड़ा सा हो जाता है, अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो फिर ज़्यादा लग हो जाएगा क्योंकि तोरी कम हो जाती है घर के पीछे ज़्यादा हो जाता है, इसलिए आप थोड़ा सा पहले डालें, अगर कम होगा तो दोबारा डाल लीजिएगा, तो आप स्वाद अनुसार ऐसे डालिए। तो देखिए गाइस ये है मेरा संडे का डेली ब्लॉग, संडे का ब्लॉग कि संडे के दिन में किस तरीके से डिनर शाम के टाइम का है, किस तरीके से मैं खाना वगैरह बनाती हूँ, इस तरीके से हर ना कुछ संडे को हम बनाते हैं, खाते हैं, पीते हैं और इन्जॉय करते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, खाना वाना उसके बाद ऐसे ही संडे को। और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे चावल धो के और यहाँ पे मैं जिस तरीके से आप चावल रखते हैं उस तरीके से रख दीजिए बनने के लिए ताकि आपका चावल बन जाए। तो गाइस किस कैसा लगा आपको हमारा ब्लॉग आज का, और मैं इसी तरीके से अपने संडे का डिनर का रेसिपी को बताते हुए आपसे अपनी रेसिपी दिखाते हुए और आपको बताते हुए कि मैं कैसे क्या क्या बना रही हूँ, तो बहुत अच्छे से बहुत प्यार से हमने रेसिपी बनाया। और देखिए यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, दादी उदी सब के सब बैठे हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बैठे हैं आपस में। और यहाँ पे देखिए मेरी तोरी एक सब्जी की गल कितनी सी हो गई, बहुत थोड़ी सी हो गई है ना, तो इसी तरीके से हमारी तोरी की सब्जी रेडी हो चुकी है
और एक तरफ हमारा बन चुका है चावल। और आज का ब्लॉग में बस इतना ही। तो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।